तो हाय फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सभी। सो आज है 9th of December और आज अभी मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया हूँ। पहले कॉलेज जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम, क्योंकि जिम आज सुबह उठा था पर मेरे को थोड़ी ठंड लग रही थी, तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूँ, शाम को जाऊँगा। सो शाम को जाऊँगा जिम और लेट्स सी आज जिम में क्या होता है। वैसे तो लेग वर्कआउट सोच रहा हूँ, अगर मूड करा तो शायद PR मारूँ। हाँ लेट्स सी, अगर रेडी रहा PR के लिए तो मैं PR मारूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे। गाइस, शोल्डर प्रेस के बाद मैंने करी थी डंबल शोल्डर प्रेस, जिससे मेरे को एक अच्छा इफेक्ट मिलता है अपने शोल्डर में, राउंडनेस फॉर 3D लुक। और आपको भी करनी चाहिए, बेसिक एक्सरसाइज है अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के शोल्डर्स वीक होते हैं और काफ़ी एथलीट्स के भी शोल्डर्स वीक होते हैं। तो प्लीज़ अपने शोल्डर ढंग से ट्रेन करें, कभी स्किप ना करें और लेग डे भी कभी स्किप ना करें। गाइस, शोल्डर प्रेस करने के बाद मैंने करी थी साइड रेस। साइड रेस एक आइसोलेशन मूवमेंट है फॉर योर लेटरल हेड। उसके बाद मैंने करी थी फ्रंट रेस विद डंबल ओनली, वो भी एक आइसोलेशन मूवमेंट है फॉर योर फ्रंट हेड। ये दोनों बेसिक एक्सरसाइज है और आइसोलेशन मूवमेंट है, आपको भी ट्राई करनी चाहिए अपने वर्कआउट में, जिससे आपका शोल्डर अच्छा इम्प्रूव होएगा। गाइस, साइड रेस के बाद मैंने करा था केबल रियर डेल्ट फ्लाई, जिससे मेरे रियर डेल्ट्स में एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनता है और मेरे रियर डेल्ट्स अच्छे से ट्रेन हो पाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।